हेलो यस आई एम बैक विद अ न्यू लॉन्ग हॉरर स्टोरी। तो गाइस देख रहे हो ना मेरी कंसिस्टेंसी कितनी जल्दी जल्दी वीडियो आ रही है, और मैं तुमको भी देख रहा हूँ कि तुमने पिछली वाली वीडियो पर इतना ज्यादा प्यार दिखाया कि उस पर व्यूज ही नहीं आए। हाँ तो गाइस बुरा लगता है यार, मैं तुम लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत से करके वीडियो बनाता हूँ, रात भर जाग के वीडियो बनाता हूँ और तुम वीडियो देखते नहीं हो। तो जिसने भी पिछली वाली स्टोरी नहीं देखी है तो भाई इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस आज की जो अपनी ये वाली स्टोरी है वो मेरे एक खास फॉलोवर की है। खास फॉलोवर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पर सबसे पहले फॉलो किया था। और गाइस मैं अपने लाइफ में उन बंदों को कभी नहीं भूल सकता हूँ जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट किया है, और आप लोग भी खास बन सकते हो, बस तुम्हें इंस्टा पर फॉलो करना है, कर दो यार फॉलो। और गाइस उसने वीडियो में उसका नाम लेने से मना किया है क्योंकि ये जो स्टोरी है वो उसी के फैमिली के अंदर हुई थी, और अगर किसी भी उसके रिश्तेदार को पता लग गया कि उसने ये वाली बात मुझे बताई है तो उसके रिश्तेदार रिमांड ले लेंगे, इसलिए मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता। दोस्तों इंसान इस दुनिया में हर किसी से लड़ सकता है, चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए वो उसका भी सामना कर सकता है, उससे भी लड़ सकता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसके सामने हर कोई हार जाता है, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो वो भी इस चीज के सामने हार जाती है, और वो है प्यार। प्यार एक ऐसी चीज है जो कि अच्छों को डुबा देती है, और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इस दुनिया में सब कुछ पैसा ही होता तो इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कही जाने वाले बिल गेट्स का कभी उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स नहीं होता। आज के टाइम में हर कोई एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, सिर्फ मेरे को छोड़कर, यहाँ तक कि मेरा एक दोस्त जिसकी शक्ल सुअर जैसी है उसकी भी बंदी है। अब इससे गंदा एग्जाम्पल कुछ हो ही नहीं सकता। आज के टाइम में तुम्हें मेरे जैसे 19-20 साल के लड़के सिंगल मिल जाएंगे, लेकिन 10-12 साल की लड़कियां तुम्हें रिलेशनशिप में मिलेंगी। लेकिन गाइस मेरा यकीन मानो, आज की जो अपनी हॉरर स्टोरी है इसको सुनने के बाद कोई भी लड़का या लड़की रिलेशनशिप में धोखा देने से पहले, चीट करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि आज की जो अपनी हॉरर स्टोरी है ये इतनी ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा खौफनाक है कि इसको सुनने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो चलो अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी करण की है जो कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहता था, एंड वो पढ़ाई करने के लिए कनाडा गया हुआ था। और कनाडा के एक इंस्टीट्यूट में करण की मुलाकात होती है श्रुति नाम की एक लड़की से, और जो श्रुति थी वो भी इंडिया से थी और इंडिया में दिल्ली से थी। तो फिर इन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, धीरे धीरे इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये दोनों उठना बैठना खाना पीना इनका सब कुछ साथ में होने लगा था। लेकिन धीरे धीरे करण को श्रुति से प्यार हो गया था, एंड करण को भी ऐसा लग रहा था कि श्रुति भी उससे प्यार करती है। लेकिन करण श्रुति को अपने दिल की बात बताने से डर रहा था, क्योंकि करण को ऐसा लग रहा था कि अगर श्रुति ने मना कर दिया तो वो एक अच्छी खासी दोस्त खो देगा। लेकिन करण अपने दिल की बात बताने के लिए श्रुति को एक अच्छा खासा मौका ढूंढ रहा था, एक अच्छा टाइम ढूंढ रहा था। लेकिन फिर तभी आता है श्रुति का बर्थडे, एंड फिर श्रुति के बर्थडे के दिन करण श्रुति को सरप्राइज देता है, एंड फिर उसी दिन उसी के बर्थडे के दिन करण श्रुति को प्रपोज करता है, एंड श्रुति भी उससे बोलती है कि वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। एंड फिर धीरे धीरे इनके रिलेशनशिप को काफी टाइम हो जाता है, एंड इसी बीच में श्रुति को करण से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था, श्रुति करण से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी थी, क्योंकि श्रुति बचपन से ही इस टाइप की लड़की थी कि अगर वो किसी को दिल से चाहती थी तो वो उससे बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाती थी, उसके बिना रह नहीं पाती थी। तो फिर इसी बीच में श्रुति करण से बहुत ही ज्यादा अटैच हो गई थी, वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। एंड फिर एक दिन उसने जाकर करण को बोला कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन जो करण था वो उसको समझाता है कि अभी हम शादी नहीं कर सकते हैं, मुझे लाइफ में कुछ करने दो, एक अच्छी जॉब लगने दो, फिर हम शादी करेंगे। लेकिन जो श्रुति थी वो करण से बहुत जिद करने लगती है कि नहीं नहीं हमें शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। तो फिर उसको करण समझाता है एंड बोलता है कि हमारे 3 महीने बाद पेपर कंप्लीट होने वाले हैं, तो पेपर खत्म होने के बाद हम इंडिया चलेंगे और अपन दोनों एक दूसरे की फैमिली से मिलते हैं, अपने बारे में बताते हैं, और अगर हमारी फैमिली वाले अगर राजी हो जाते हैं तो हम शादी कर लेंगे। तो फिर बिल्कुल होता है ऐसा ही है, फिर 3 महीने बाद इनके पेपर खत्म हो जाते हैं एंड फिर ये दोनों इंडिया आते हैं, एंड इंडिया आने के बाद ये दोनों ही अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बताते हैं, फिर इन दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं, एंड फिर फाइनली इन दोनों के जो घर वाले थे वो शादी के लिए मान जाते हैं। एंड फिर कुछ दिन बाद ही जो इन दोनों के घर वाले थे वो इन दोनों की सगाई करवा देते हैं, एंड श्रुति जो थी वो इस बीच में बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि फाइनली उसकी सगाई हो गई, एंड अब जो करण है वो उसका हो चुका है, अब वो लोग साथ रहेंगे, एंड फाइनली कुछ टाइम बाद उसकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद जो करण था उसकी ना कनाडा के अंदर एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है, एंड फिर जो करण
कारण था। वो श्रुति को लेकर दोबारा कनाडा चले जाता है एंड कनाडा में अब करण और श्रुति एक ही फ्लैट में रहते थे। लेकिन जब से करण का जॉब लगा था तब से करण का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया था। पता नहीं क्यों वो श्रुति को इग्नोर करने लगा था। लेकिन जो श्रुति थी वो सोच रही थी कि शायद ऑफिस का कोई टेंशन होगा या फिर ऑफिस के काम का प्रेशर होगा इस वजह से। लेकिन असल में बात कुछ और ही थी। जो करण था उसका ऑफिस के अंदर शीतल नाम की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था एंड ये बात श्रुति को बिल्कुल भी पता नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है कि श्रुति मॉल गई हुई थी अपना कुछ सामान लेने के लिए। लेकिन मॉल के अंदर उसको करण मिलता है, वो भी उसी लड़की के साथ जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। तो फिर श्रुति उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे ऑफिस की टाइम पे। तो फिर करण कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बोल देता है कि ये मेरी ऑफिस की फ्रेंड है एंड इसका बर्थडे है एंड ये मुझे जिद करके लेके आ गई यहाँ पे, इसलिए मैं आ गया। लेकिन जो श्रुति थी वो सोचती है कि हाँ ऑफिस की फ्रेंड होगी, इस वजह से वो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तो फिर उसी रात को क्या होता है कि करण देर रात तक घर पे आता ही नहीं है। तो फिर श्रुति करण को कॉल करके पूछती है कि तुम अब तक घर पे क्यों नहीं आए, इतना लेट क्यों हो गया। लेकिन करण बोलता है कि मैं आज घर पे नहीं आ पाऊंगा, मुझको ऑफिस के अंदर बहुत सारा काम है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। एंड ये चीज हर दिन होने लगी, करण कभी घर पे आता कभी आता ही नहीं। तो फिर श्रुति थी वो सोचने लगी कि ऐसा कौन सा काम है कि सुबह भी काम, दिन में भी काम, रात को भी काम। एंड फिर जो श्रुति थी एंड वो ये चीज चेक करने के लिए करण के ऑफिस में कॉल करके पता करती है। तो फिर श्रुति को पता लगता है कि करण तो ऑफिस से बिल्कुल अपने टाइम पे ही घर निकल जाता है, लेकिन वो रात को घर पे आता क्यों नहीं है, वो रात को जाता कहाँ पे है। तो फिर श्रुति करण के बारे में और भी पता करने की कोशिश करती है। तो फिर ऑफिस में ही करण का एक दोस्त था, उसको श्रुति को पता लगता है कि करण का ऑफिस के अंदर शीतल नाम की एक लड़की से काफी टाइम से अफेयर चल रहा है। एंड ये सुनने के बाद श्रुति अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। फिर श्रुति को करण के ऑफिस वाले दोस्त से पता लगता है कि ये दोनों हर रात को एक होटल के अंदर जाते हैं। एंड फिर श्रुति आधी रात को उसी होटल के अंदर जाती है जहां पर करण था। एंड फिर श्रुति करण को उसी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है। एंड फिर श्रुति बहुत ही ज्यादा रोने लगती है एंड फिर उसके बाद वो सीधा अपने फ्लैट पे आ जाती है। एंड फिर श्रुति बहुत ही ज्यादा रोने लगी कि करण उसको चीट कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है। उनके बीच में इतना सब कुछ होने के बाद, सगाई होने के बाद करण उसको धोखा दे रहा है। एंड जो श्रुति थी वो करण से बहुत ही ज्यादा अटैच थी एंड वो इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। एंड उसने अपने बाथरूम के बाथटब में अपनी हाथ की नसें काट कर लिया। और फिर करण भी श्रुति का पीछा करते करते फ्लैट पे आ जाता है और वो देखता है कि श्रुति फ्लैट पे है ही नहीं। और फिर अचानक से उसको वॉशरूम के अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है। और फिर जैसे ही करण वॉशरूम खोलता है तो उसको वहां पर श्रुति की डेड बॉडी दिखती है। करण समझ जाता है कि श्रुति ने उसकी वजह से सुसाइड कर लिया एंड फिर करण को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो फिर करण क्या करता है कि बिल्कुल आधी रात को वो श्रुति की डेड बॉडी को ले जाकर बाहर जाकर कहीं दफना देता है। एंड ये वाली बात ना ही करण के घर वाले को पता था एंड ना ही श्रुति के घर वाले को पता था। एंड फिर क्या होता है कि श्रुति के घर वाले कई बार कॉल भी करते हैं करण को कि श्रुति कहाँ है, हमारी बात करा दो। लेकिन करण कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उनको बना कर देता था कि श्रुति घर पे नहीं है, वो बाहर जा रखी है। एंड फिर क्या होता है कि जब से श्रुति ने सुसाइड किया था उस दिन के बाद से करण ना मेंटली रूप से पूरा डिस्टर्ब हो चुका था। उसको उठते बैठते खाते पीते उसको हर जगह श्रुति दिखाई देती थी। एंड फिर उसको किसी ने सलाह दिया कि तो एक बार जाके डॉक्टर को दिखा दे। एंड फिर करण डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर को सिर्फ इतना बताता है कि उसकी एक वाइफ थी, उसने सुसाइड कर लिया। तो फिर डॉक्टर करण को बताता है कि उसके ऊपर उसकी वाइफ के मौत का बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा है, धीरे धीरे करण इन सब चीजों से बिल्कुल बाहर आने लगा था, वो बिल्कुल ठीक होने लगा था। लेकिन तभी करण का ऑफिस के अंदर शीतल नाम की जिस लड़की के साथ अफेयर चल रहा था वो लड़की करण के साथ फ्लैट पर रहने के लिए आ जाती है। एंड फिर जैसे ही करण उस लड़की के क्लोज जाने की कोशिश करता है तभी करण को उस लड़की के अंदर से बिल्कुल वैसी स्मेल आती है जैसे कि उसकी वाइफ श्रुति के डेड बॉडी में से आ रही थी। एंड फिर तभी करण देखता है कि उस लड़की के जस्ट पीछे श्रुति खड़ी हुई है एंड उसके हाथ की नसें कटी हुई है, पूरा फेस खूनी खून हो रखा है और वो रो रही थी। और वो रोते रोते करण को कह रही थी कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगी। एंड फिर उस दिन के बाद से करण को हर जगह श्रुति दिखाई देने लगी। वो देर देर रात तक सोता नहीं था, उसको नींद नहीं आती थी, उसको उठते बैठते खाते पीते उसको हर जगह श्रुति दिखाई देने लगी। एंड जो श्रुति थी वो सिर्फ करण को ही दिखाई देती थी। एंड जो उसके साथ शीतल थी जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि करण क्या कर रहा है, वो इतना पागलपंती हरकतें क्यों कर रहा है। उसको बिल्कुल भी श्रुति दिखाई नहीं दे रही थी। करण उसको कहता भी था कि यहाँ पे श्रुति, यहाँ पे श्रुति, यहाँ पे श्रुति, लेकिन जो शीतल थी उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जो करण था वो इतना ज्यादा पागल हो गया था कि उसको शीशे के अंदर श्रुति दिखाई देती थी।
थी एंड वो शीशे के सामने बैठकर श्रुति से माफी मांगा करता था, उठक बैठक करता था, धूप फेंक कर चाटता था, अपनी जान की भीख मांगता था। करण इन सब चीजों से इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था कि एक दिन उसने भी उसी बाथरूम में जाकर अपनी हाथ की नसें काट कर अपनी जान दे दी। इस वीडियो के बाद मुझे पता है कि काफी सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई भूत प्रेत वगैरह कुछ भी नहीं होता है। चलो भाई मैंने मान लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया के अंदर भगवान है तो शैतान भी है। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी है, कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जिस तरीके से श्रुति ने सुसाइड किया था, बिल्कुल उसी तरीके से उसी बाथरूम के बाथटब में उसी हाथ को काट कर करण ने भी सुसाइड कर लिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि आपको इस स्टोरी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और काफी ज्यादा मजा भी आया होगा। तो बस भाई वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर देना। और अगर तुम्हारे पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर इस ईमेल आईडी पर अपनी स्टोरी भेज सकते हो एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी स्टोरी को सुनाने की। क्या पता अगली वीडियो तुम्हारी स्टोरी के ऊपर हो। तो फटाफट भाई अगर स्टोरी है तो भेजो एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।